दोस्तों, मेरा नाम राजेश गिरी है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। एक कंपनी में अच्छा जॉब करता था, IVRC लिमिटेड में एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर करके जॉब करता था। लेकिन एक डेढ़ साल पहले कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से। तो पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए, कुछ चेकअप किए। चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि पैरों में कुछ लिगामेंट डैमेज है, पोस्टीरियर लिगामेंट डैमेज है। तो काफ़ी चल नहीं पाता था, एक 10 मीटर भी चलना मेरे लिए बहुत चैलेंज था। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो नेचुरल में झुंड में चलता था, थोड़ा कहीं गिर गया तो कोई पानी पिलाने वाला या उठाने वाला भूल लेगा। तो ऐसे ही एक महीना लगभग मैं हॉस्पिटलाइज रहा। उसे बिटवीन मेरा कुछ ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से इंदौर। अब इंदौर आया, इंदौर आके फिर अभी फैमिली नहीं है, अकेला हूँ। तो रोज़ एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास में रोज़ जाता था कि जैसे वो एक घंटा का वो मसाज होता था तो मैं 24 आवर काफ़ी चल सकता था। अब फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, रोज़ यही प्रॉब्लम चैलेंज करना, रोज़ ये मेरा तो रोज़ का हैबिचुअल हो गया था। तो बीच में हमारे कुछ दोस्त आए, हमारे कलीग आए, हमारे एक ऑफिस में साथ में रहते थे, मिस्टर रविंद्रनाथ ढाली करके, अभी हमारे मैनेजर बने हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऐसा एक कंपनी आया है, प्रोडक्ट है। अभी क्या है, सब ये सब मिराकल वाला प्रोडक्ट दिख रहा था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि आप इतना सब कुछ तो कर ही रहे हो, चलो आज हमारे साथ चले। एक दिन मैं संडे का दिन, एक ऐसा हुआ था कि मैं एक प्रोडक्ट का ये था, जैसा इवेंट था, तो मैं एक मीटिंग के लिए गया था, होम मीटिंग था वहीं पे इंदौर में। तो वहाँ जाके सब जन बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे, बिल्कुल आज तो भी मैं काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट के बारे में जानता, लेकिन उस दिन मैं तो काफ़ी ऐसा फील कर रहा था कि यार ये सब बना रहे हैं। एक कोई आता है बोलता है मेरा पैर ठीक हो गया, कोई आता है बोलता है मेरा हार्ट ठीक हो गया, कोई आता है बोलता है मेरा शुगर कंट्रोल आ गया। तो उस सर हमारे बसर थे वहीं पे, सो क्या बोले, बसर के बारे में तो बोलने के लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये प्रोडक्ट ये काम के लिए आता है, ये प्रोडक्ट ये काम के लिए आता है। तो मैं भी सोचा, मेरे कुछ MRI के कुछ रिपोर्ट थे, एंजियोग्राफी क्रिया था, एंजियोग्राफी के कुछ रिपोर्ट्स थे, मैं वो रिपोर्ट लेके साथ गया था। तो सर ने बताया कि लिगामेंट का कोई ऑपरेशन होता नहीं है, इट्स अ टिश्यू, जैसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसमें कोई इश्यू ऑपरेशन तो होता नहीं है। फिर उनको जब मैं ये सब चीज़ बताया तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किया था, ठीक है आपको तो ऑपरेशन करना ही है तो आपके पास कोई विकल्प तो है ही नहीं, विकल्प नहीं है तो फिर आप कर क्या सकते हो। बोला सर कर तो कुछ सकते नहीं है अभी, लेकिन अभी सिविल इंजीनियर का पैर ही चला जाने के बाद में क्या करेगा, तो कुछ काम नहीं करवाएगा क्योंकि छोटा छोटे बच्चे हैं अभी, ये सोच सकते हैं आप लोग, मैं भी इतना थोड़ा क्या बोल सकते हैं, पूरा डिमोटिवेट हुआ था कि अभी इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैर अगर नहीं है तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो। तो सर ने कुछ प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किए थे कि आप एलोवेरा जेल लीजिए, फ्रीडम लीजिए, आर्टिक सी, गार्लिक थाइम, ये दो तीन चीज़ मुझे दिए थे, एक डेढ़ महीने का प्रोडक्ट था। बट जैसे जैसे अभी ये प्रोडक्ट ले रहा था, एक्चुअली बेसिकली मैं ये प्रोडक्ट लेने से पहले मैं एक महीने का छुट्टी लिया था ये पैरों का ऑपरेशन के लिए, तो छुट्टी भी ग्रांट हुआ था। इंदौर से फिर पुणे गया प्रोडक्ट लेके, कंटिन्यू प्रोडक्ट जैसा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि 50 ml सुबह लेना, शाम लेना, ये लेना, वो लेना, मैं लेते गया। मुझे 8-10 दिन में कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी में आते गए कि मैं थोड़ा बॉडी स्टिफ हुआ, थोड़ा ताकत पैरों में आने लगा, मैं थोड़ा चल पा रहा था। आज तो आपके सामने हूँ, आज ये प्रोडक्ट मैं चालू किया, लिया और आज काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि अभी आज अभी आप, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं भी सुबह रनिंग में भी जाता हूँ और इसके बाद अभी मैं इसको एज ए बिजनेस तो कभी ज्वाइन नहीं किया था, मेरा काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। प्रोजेक्ट मैनेजर मैं तो जॉब तो रिजाइन कर दिया, अभी मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी आस्था कंस्ट्रक्शन, काफ़ी अच्छा इनकम उसमें से आता है। लेकिन ये प्रोडक्ट को जब भी मैं देखता हूँ ना तो मुझे एक अंदर से कैसा आता है कि यार मैं जैसा रिपेयर हुआ हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तो लोगों को भी मैं तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं कुछ पाकिजा करके हमारे इंदौर में एक शोरूम है, काफ़ी बड़ा शोरूम है कपड़ों का, वहाँ गया था तो एक बंदा मुझे मिला, मैं उसको ये प्रोग्राम के बारे में कुछ शेयर कर रहा था, वो ज्वाइन हुआ,
उसके बाद जब वहाँ का जो इंचार्ज है मिस्टर क्या नाम जुनेद भाई, तो जुनेद भाई काफ़ी अच्छे उम्र के हैं, 50-55 साल की उम्र एज है उनकी। उनके भतीजे को ब्रेस्ट कैंसर है। अब ब्रेस्ट कैंसर है, अभी मुझे तो ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसा हुआ है कि अभी मैं किसको कुछ भी दे दूँ तो दुरुस्ती हो जाता है। अभी मुझे कुछ लोग तो बोलते हैं यार तू डॉक्टर बन गया है क्या, बोला मैं डॉक्टर डॉक्टर नहीं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला यार हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा केस हुआ है तो आप थोड़ा बताइए। मैं बोला सर मैं मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, मैं हमारे एक सीनियर हैं रविंद्र डाली करके, उनके साथ मैं आपको उनको लेके आता हूँ। फिर हम लोग वहाँ गए, दूसरे दिन उन्होंने टाइमिंग लिया, पेशेंट बॉम्बे कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट है। पोजीशन के पेशेंट की ऐसी है कि उसको कीमो चालू है, अब फोर्थ कीमो ले रहे थे। अब कीमो, अभी ये डॉक्टर की लैंग्वेज मुझे आती नहीं, मैं तो कॉन्क्रीट वाला आदमी हूँ, तो हमारे डाली जी काफ़ी अच्छा जानते हैं। तो उन्होंने फिर हम लोग गए वहाँ पे, ट्रीटमेंट दिया उनको, और मेरे मुँह से एक निकल गया कि मैं बोला था सर भाभी जी 15 दिन या 1 महीने में आपको टिफिन बना के देंगे। अब बोल तो दिया है, अभी होगा कि नहीं अब तो ये, अब बोल दिया सही में सर। आज मैं फख्र के साथ बोल सकता हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट आदमियों को दुरुस्त कर सकता हूँ। इतना सब होने के बाद फिर हमारे यहाँ पे एक दूसरे भी कुछ चैलेंजेस आए। कुछ लोग बोलते हैं, अभी तो नहीं बोलता है कोई मुझे कि ये फालतू चीज़ है ये करके, लेकिन काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। अभी मैं सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर लिया हूँ इसमें दिस लास्ट मंथ। मैं एज अभी इसको करियर समझ के भी देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और इतने सारे लोगों के सामने बात करने का, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई टॉक टू इन फ्रंट ऑफ सो मच पीपल, अभी तो लगता नहीं है कि मैं पीछे देखूंगा। चलो इट्स